और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का अचूक और विशेष महा उपाय। जी बिल्कुल, आज के महा उपाय में हम चर्चा करने वाले हैं बगलामुखी यंत्र के बारे में। बगलामुखी यंत्र के बारे में, इसकी महिमा के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत सारी व्याख्याएं मिलती हैं। बगलामुखी देवी का स्वरूप माना जाता है बगलामुखी यंत्र, और इस यंत्र की पूजा आराधना करने से आप अकाल मृत्यु को टाल सकते हैं। यानी जिनकी कुंडली में ऐसा दिखता है कि वह व्यक्ति अल्पायु है, चोट चपेट एक्सीडेंट होना है, या कोई भी ऐसा खराब ग्रहों की स्थिति चल रही है, क्रूर ग्रहों की दशा या अंतरदशा है, तो उससे भी आप बच सकते हैं। जीवन में जितनी भी अशुभता की स्थिति है उससे बचा जा सकता है। यदि कोई बहुत पुराना कोर्ट केस चल रहा हो, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो, न्यायिक वाद विवाद हो, उससे भी बचाता है, उसमें विजय दिलाता है बगलामुखी यंत्र। और उसके साथ साथ बगलामुखी साधना करने से आप अपने शत्रुओं पर भी बहुत अच्छे से नियंत्रण कर सकते हैं। जो भी जातक अकाल मृत्यु के डर से व्यथित होते हैं, घबराए होते हैं, उनके लिए बगलामुखी यंत्र जो है वह विशेष असरदार माना जाता है। इनकी नियमित पूजा अर्चना से अकाल मृत्यु का भय किसी भी जातक के मन से, उसके हृदय से निकल जाता है। बगलामुखी यंत्र अकाल मृत्यु के साथ साथ कोर्ट कचहरी से संबंधित मुकदमे और न्यायालयीय वाद विवाद, झगड़ा, दंगा फसाद, रोग और कोई बड़ा ऑपरेशन होना है तो इन सभी चीजों से आपकी सुरक्षा करता है। बगलामुखी यंत्र द्वारा शत्रुओं पर विजय प्राप्त की जा सकती है, और उसके बाद जब आप शत्रुओं को नियंत्रित कर लेते हैं तो जो भी वांछित सफलता आप चाहते थे वह सफलता आप प्राप्त कर सकते हैं। बगलामुखी यंत्र किसी भी घर में यदि रखा हो तो उस घर की सुरक्षा, उस परिवार के लोगों की सुरक्षा बुरी शक्तियों से भी करते हैं। यानी जो भी नीच कर्म के तंत्र मंत्र होते हैं जिसमें मारण, मोहन, सम्मोहन, वशीकरण, इस तरीके की चीजें आती हैं, उससे भी बहुत अच्छा बचाव होता है। टोना, टोटका, नजर, इन सारी चीजों से बहुत अच्छी सुरक्षा होती है। इन सारे मामलों में यह यंत्र अचूक माना गया है। बगलामुखी यंत्र दो प्रकार के होते हैं। यंत्र सामान्यतः जो भी हैं हमारे धर्मशास्त्रों में जो बताए गए हैं वह तीन प्रकार के हैं, लेकिन बगलामुखी यंत्र जो हैं वह दो प्रकार के हैं। जो सामान्य तीन प्रकार के यंत्र हैं वो क्या क्या हैं बता दूं आपको। एक धारण यंत्र है जिसे आपने देखा होगा, आप कवच के तौर पर धारण करते हैं। दूसरा पूजन यंत्र है जिसे आप अपने पूजा स्थान में रखते हैं। तीसरा जो प्रयोग में आता है जिसे आसन यंत्र कहते हैं, यानी वह यंत्र जिसे सिद्ध करके व्यापारी बंधु या कोई भी व्यक्ति अपने आसन में रखता है और उसके ऊपर बैठता है तो वह व्यक्ति स्वयं में उस शुभ ऊर्जा से चार्ज होता है और उससे उसका लाभ मिलता है। वहीं बगलामुखी यंत्र की जब बात करते हैं तो इसे दो प्रकार से ही प्रयोग में लेते हैं। एक तो आप धारण कर सकते हैं, दूसरा अपने पूजा स्थान में रख करके इनकी नियमित पूजा करनी चाहिए। वह दोनों में से कोई भी प्रकार आपके लिए बहुत शुभ होगा। अपनी सफलता के लिए कोई भी व्यक्ति इस यंत्रों का प्रयोग कर सकता है। अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है तो विशेष योग में योग आचार्यों द्वारा इसे आप प्राण प्रतिष्ठित करा लें और इसे अपने प्रयोग में लें। नियमित दिनचर्या में आप इन्हें इनकी पूजा अर्चना करते रहें और बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। यदि संभव हो सके, आप इनके नियम का पालन कर सके तो इस बगलामुखी यंत्र को आप धारण भी कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति ऐसे यंत्र धारण करता है तो उसमें ब्रह्मचर्य का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, अपने खान पान का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है। ऐसे यंत्र धारण करके मांस मदिरा का सेवन करना, प्रयोग करना, नशा या किसी भी प्रकार का मद्यपान करना आपके लिए बहुत ज्यादा अनिष्टकारी हो सकता है, क्योंकि आप एक उस यंत्र को तो इतनी बड़ी शक्ति को अपने साथ लेकर के चल रहे हैं जो महाविद्या अपने आप में है बगलामुखी, और आप उनकी शक्ति को साथ में लेकर के अनैतिक कार्य कर रहे हैं, गलत कार्य कर रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति से बचना चाहिए। आप इस यंत्र को तभी धारण करें जब आप उसके नियम का पूरी तरीके से पालन कर सकें। तो आज के लिए आपके सितारे में इतना ही। आचार्य जी आप हमारे स्टूडियो में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां बगलामुखी। और फिलहाल हमें दें इजाजत, खबरों के लिए देखते रहिए समाचार प्लस।